ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे हम। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी तक कंफर्म नहीं है कि बीजेपी उनको साथ में ले भी रही है या नहीं, और लोजपा का ऐलान हो चुका कि 143 सीट पर वो चुनाव लड़े। फाइनल है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। रात में 2 बजे दिल्ली के कार्यालय में मीटिंग हुई और फाइनल मुहर लगा दिया गया। ऐसे जदयू कार्यकर्ता अब तो चिराग पासवान जी को आदरणीय चिराग पासवान जी कह रहे हैं, अब तंज नहीं कस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल वो बेटी दिवस मना रहे थे। ये वे लोग हैं जो बालिका गृह कांड किए और कल बेटी दिवस मना रहे हैं। जो दरभंगा की ज्योति पासवान गुड़गांव से दरभंगा गई थी, कितनी सुविधाएं मिली, और एक अलग से दूसरी ज्योति पासवान जिसको हत्या और बलात्कार की शिकार होना पड़ा, उसको क्या ये न्याय दिलवाए बेटी दिवस मनाने वाले। और मैं आज सुशासन बाबू से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो हमारे कमेंट बॉक्स को देखते हैं? कल 500 लोगों ने, बिहार के जागरूक बहादुर दर्शक जो हमारे चैनल पर देखते हैं, उन्होंने कमेंट करके सवाल किया कि हर जिला में 2-4 फैक्ट्री होनी चाहिए, सरकार को कृषि पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, करीब 22 लाख युवा तेजस्वी यादव जी से जुड़ गए हैं। आरजेडी की लहर है, युवा उनके साथ है, कहते हैं जिधर जवानी है उधर जमाना है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी के साथ लाखों युवा जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी लाखों युवा जुड़ रहे हैं। ये सारे बहुजन समाज के दल हैं, पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, और कई पार्टी ऐसी है जैसे पप्पू यादव जी हैं, उनके साथ भी लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। वहाँ का जो बेसिक मुद्दा है रोजगार, उसके ऊपर जो बोलेगा वहां की जनता उसके साथ होगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में 40 लाख मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया, करीब 1800 पर्यटन विभाग के ड्राइवर सड़कों पे आ गए, जितनी भी नर्स की ट्रेनिंग किया जो भी लड़कियां बहनें, वो सब के सब बेरोजगार हैं। और फिजिकल टीचर का जो परीक्षा पास किया, 3500 युवा सड़कों पर हैं और कहते हैं हम परीक्षा पास कर चुके हैं, हमको आप रोजगार दीजिए। गुप्तेश्वर पांडे जी जदयू में मिल गए, कल तक दहाड़ने वाला इंसान डीजीपी की वर्दी पहनकर अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि जैसे हमारे पार्टी के महामहिम जो कहेंगे हम सुनेंगे, वैसा कार्य करेंगे, अब वो सेवा करेंगे, राजनीति में आ गए। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और जनता का दरबार लग चुका है, फैसला करने वाली है। सुशासन बाबू को चाहिए कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को पढ़ें, क्योंकि ईमानदार दर्शक, ईमानदार जनता कमेंट करके अपना मंतव्य जाहिर करती है कि बिहार की जनता को क्या चाहिए। ऐसे सुशासन बाबू पढ़ते जरूर हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो जिक्र करते हैं, जो बातें आप कमेंट में करते हैं उसकी वो पार्टी कार्यालय में जिक्र करते हैं, जब वो बायोडाटा लेते हैं नए उम्मीदवार का। तो आपको देखकर और सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, हंसी आएगी कि पटना के बोरिंग कैनाल रोड पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि वैकेंसी है 243 सीट की, पद का नाम विधायक, अनपढ़ जाहिल सब शामिल हो सकता है, क्योंकि जनता एग्जाम लेने वाली है, लाखों की सैलरी होगी, अच्छे पैकेज होंगे, फोन गैस सारी सुविधाएं होगी, और एग्जाम का जो तिथि है वो 3 तिथि है, यानी 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जो पास करेंगे उनको सारी सुविधाएं मिलेगी और विधायक के पद पर 5 साल कार्य करना है। इस तरह के पोस्टर लगा रही है जनता, जनता बागी हुई पड़ी है,
नेताओं से सवाल करती है, 5 साल का हिसाब मांगती है। आप भी अपने कमेंट के द्वारा हिसाब मांगिए और अपना मुद्दा रखिए, क्योंकि जो आपके माननीय हैं, जिनकी सरकार बनने वाली है, सबके सब आपके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, पढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं किस जिला से क्या मांग है। 38 जिला है, आप किसी भी जिला के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं। चाटुकारिता करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप एक लोकतंत्र के हिस्सा हैं और आपकी मांग करना आपका एक संवैधानिक अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जब जरूर मांग कीजिए अपने नेताओं से, अपने क्षेत्र के लिए कुछ तो वफादारी दिखाइए, क्योंकि आपके एक एक मत से सरकार बनती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।